चले भाव तो आप सभी का स्वागत है एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले जेल प्रहरी की तैयारी करने वाले एसआई SI की तैयारी करने वाले आप सभी के लिए खुशखबरी है इसमें कि भर्तियां आ रही हैं और दूसरी खुशखबरी ये है अब ये खुशखबरी है कि दुख भरी है तो बात की बात है पर व्यापम से एक बड़ा छुटकारा मिलेगा और व्यापम से छुटकारा मिलेगा तो नॉर्मेशन के नाम पे जो कलंक है जो जो धब्बा है है व्यापम पर वो थोड़ा सा जो बड़ा परेशान हुए इनसे ठीक तो पांच हजार नई भर्ती आने वाली है ठीक है पुलिस कांस्टेबल की तो तैयारी अपनी लगातार कंटिन्यू जो है जारी रखिए है दो हजार तेईस में जो भी जिन बच्चों को सिलेक्शन होता नहीं होता कोई बात नहीं तो कंटिन्यू रखिए मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि रिजल्ट दे दो आप फाइनली जो है और दूसरी बात है कि सीएम ने जो कहा है सीएम साहब ने वो बड़ी ऑथेंटिक तरीके से क्योंकि गृह मंत्री भी खुद ही है अब ये क्या योगी को कॉपी कर रहे हैं तो बताऊं कि योगी में जो उत्तर प्रदेश में योगी का सीधा है आपको पता है गृह मंत्रालय साहब जो पूरी तरह से योगी साहब भी संभालते हैं और यहां भी जो है उन्होंने सीधे सीधे गृह मंत्रालय अपने पास रखा कि मैं पूरी पुलिस व्यवस्था अपने तरीके से देखूंगा व्यापम पर चुकी उन्हें भरोसा नहीं है मैं आप साफ साफ बता दूं उन्हें व्यापम भरोसा नहीं है जब जबकि देखो व्यापम पर भरोसा मैं आपको पहले बताया था कि व्यापम की भर्तियों पर भरोसा सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत था क्योंकि उनकी एक बड़ी वो था व्यापम कहते हैं जो जो किसी व्यक्ति का फाउंडेशन करता होता है ना फाउंडर होता है उसको बड़ा दिल से लगा के रखता है मनमोहन साहब को इससे कोई फर्क नहीं मनमोहन यादव साहब का सीधे सीधे है कि भैया मेरे को इस विवादित ई से मुक्ति करनी है ताकि पुलिस व्यवस्था दुस्त चुस्त दुरुस्त रहे और तरीके से चले अब इसमें है क्या यह आज प्रदेश टूडे का है आज का बिल्कुल खबर है इकतीस दिसंबर का बहुत अच्छी बात है पता चल गया है मनमोहन बदलाव और उत्सव से नए साल एमपी वर्दी वाली सभी भर्तियां करेगा पीएच की वोट मतलब पुलिस को तो करेगा ही बंधक चक्की भी करेगा आबकारी भी करेगा जेल पर भी करेगा मतलब सब करेगा पीएच की वोट करेगा जितने भी आप लोग वर्दीधारी पद हैं उन सब में जो है सबसे ज्यादा इसी का अपना रोल रहेगा है ना अगर हम इसको देखें इन्होंने क्या कहा पूरी न्यूज को आज पढ़ते हैं ठीक है क्या कहा पुलिस वन आबकारी में आरक्षक के साथ ही जेल प्रहरियों की भर्ती अब व्यापम अब मध्य प्रदेश का चन्मण नहीं होगी यह फैसला शासन स्तर पर हो गया है इन भर्तियों के लिए नया बोर्ड बनाया जा रहा है जो सभी वर्दी वाले आरक्षक और प्रहरियों की भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा यह बोर्ड इसी साल से काम शुरू करेगा सूत्रों की मानी जाए तो इस बोर्ड को बनाने का जिम्मा पुलिस मुख्यालय को दिया गया है इस पर काम शुरू हो चुका है पुलिस मुख्यालय के आला अफसर इस बोर्ड के बनाने में काम में जुटने वाले हैं अफसरों को संदेश मिल गया कि पुलिस के साथ ही यह बोर्ड वन रक्षक जेल पैरी की भर्ती करेगा इस बोर्ड का स्वरूप क्या होगा किस किस रैंक के अफसर इसमें शामिल होंगे लिखित परीक्षा में पेपर कैसे है और कौन कौन बनाएंगे इन सब पर काम होना बाकी मतलब बहुत अच्छी चीज है कि जो पिछले कई दिनों से आप लोग एमपीएसआई और तमाम चीजों पर देखे थे बड़ी दिक्कत थी ठीक है वो चीजें दिमाग पर रखेंगे आप लोग अच्छा एक और चीज में इस पे जो एडीजी चैन शाखा के जो व्यक्ति हैं उनका नाम है संजीव समी साहब आईपीएस हैं बहुत तेज तर्रार आईपीएस हैं उनके कार्यशैली से पूरा प्रदेश जानता है उनको अच्छे से और वो इस समय शायद सागर या शायद ग्वालियर आई थिंक यहां का जो है उनके पास इंचार्ज भी है मतलब वो आई के ऊपर जो है वहां पर वो लोग देख भी रहे हैं अब क्या है जब तक चैन शाखा में संजीव समी साहब है तो आप ध्यान रखना अनुप्रयोग होते रहेंगे नए नए प्रयोग होते रहेंगे एसआई का सिलेबस उन्हीं ने ही बदलाव के लिए प्रस्तावित किया तो जब तक वो है तब तक पुराने सिलेबस में तो नहीं होने देंगे एमपीएसआई उन्हें नया सिलेबस के तहत उनको चाहिए हो मैं क्लियर कट के बता रहा हूं जेल प्रहरी की भर्ती और बाकी वन रक्षक की सभी चीजों में वो लोग नया चीज करेंगे और अच्छी बात ये है संजय साहब की आरक्षण का खैर विवाद उन्होंने बढ़ाया उन्हें अपने कार्यकाल आने के बाद उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को शायद समझ नहीं पाए हैं वो कि महिलाओं का आरक्षण एक सर्विस सर्विसमैन का आरक्षण बाकी जो उन्होंने अपना वो चीज दिया है एक इनपुट दिया है इस बारे में कि इसका सिलेबस क्यों बदलाव जरूरी है क्योंकि देख रहे हैं कि वो जो रिक्रूटमेंट आ रहा है एमपीएसआई का उस लेवल का नहीं आ पा रहा जिस लेवल को से होना चाहिए जैसे आप खुद देखें अगर हम यूपीएसआई देखें तो वहां पर कानून की पढ़ाई तमाम चीजें क्योंकि आवाज के देखो बीएनएस भारत नई संहिता आएगी आपको पता होनी चाहिए नई चीजें लॉन्च हो गई हैं बच्चों को पता नहीं यार बच्चों को यही नहीं पता एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट को नहीं पता कि एफआईआर आई आर का लिए सेक्शन कौन सा है अगर नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं नहीं पता सच में नहीं पता एटलीस्ट उत्तर प्रदेश सामान्य जो कानून नियम तो पूछता ही पूछता है एग्जाम में और इस लेवल पर मध्य प्रदेश का सिलेबस बहुत ही घटिया था एमपीएसआई का सच बताऊं तो बहुत ही घटिया अव्वल और जर्जे घटिया सिलेबस इसमें रट्टा मार आगे बढ़ वाली बात थी अब जो इसमें सिलेबस की जो फाउंडेशन रखी जाएगी वो बहुत बढ़िया फाउंडेशन रहेगी और अच्छी बात इस चीज का ठीक है सर जी पीएच क्यू तो बहुत बड़ी धांधली करेगा देखो क्या करेगा क्या नहीं करेगा क्यों व्यापम से धांधली नहीं हुई है क्या सीधे सीधे दस दस नंबर कम कर दे जा रहे हैं जिसका मर्जी उसको नंबर बढ़ा दे रहे है, जिसकी मर्जी घटा दे रहे कोई उनको खुद नहीं पता हम किसका बढ़ा रहे किसका नहीं घटा रहे ठीक है पर पीएच क्यू पर अभी कोई चीज शुरू नहीं हुई और आप पर क्वेश्चन लगा देना एक ब्य की बात करने तो दीजिए चैन बोर्ड को काम तो करने दीजिए बाकी हम और आप बैठे तो हैं डरते तो ही ना किसी से हम तो कानून का सम्मान करते हैं और गलत करने वालों को बखिया उधेर देंगे क्यों परेशान बैठे तो है ना आज भी हैं कल भी रहेंगे हमेशा रहेंगे जब तक जिंदा हैं तब तक लड़ते रहेंगे और अच्छी बात है अपने बड़े भाई साहब जो हैं सीएम साहब हैं भाई बड़े भाई साहब क्यों बोला मैंने आप देखो मतलब तो यो भी युवा है उनसे थोड़ा ही छोटा मैं हूँ कि नहीं तो थोड़ा यंग आया है तो कुछ नया करेंगे और वो तो कोशिश करेंगे कि मैं आपको पहले बोला था पटवारी भर्ती परीक्षा तमाम परीक्षाओं के बारे में क्यों बोला था कि मनमोहन साहब जो है उस चीज को मनमोहन की जो है उसको आगे सिर पे लेकर नहीं चलेंगे दूसरे का महिला दूसरे की झंझट दूसरे, दूसरे की परेशानी कोई अपने सिर पे नहीं लेकर चलता है चौकीसी दिखा दूसरे की गंध अपने सिर पे लेके कोई नहीं चलता है। दूसरे का पाप कोई ढोएगा नहीं ठीक है तो बदलाव जरूरी है ना तो सॉरी सर जी कोई बात नहीं मैं बता रहा हूं ना हम लोग है ना कि डरते हैं क्या तुम लोग क्यों डरते हो किससे तुम्हें लगता है पीएच क्यू से होगी तो हम लोग अरे पीएच क्यू से होगी तो जांच रिपोर्ट मंगा लेंगे आरटीए लगा के मंगा लेंगे जांच इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर रखवा देंगे गाइडेंस लेते हो पहले उन्हें करने तो दो एक बोर्ड का गठन हो एक अच्छी चीज है कि बोर्ड का गठन हो अच्छे तरीके से काम शैली हो समझ सम चलिए बाकी है ना हम लोग का परेशान हो हाँ आप जिस दिन ना रहे उस दिन की बात अलग है पर जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे। आइए अब ऐसा माना जा रहा है कि यह बोर्ड अब जल्द से जल्द बनाया जाएगा इस साल पुलिस आरक्षकों के पांच हजार पद पर भर्ती की जानी अभी फिर से यह भर्ती नए बोर्ड से कराने की तैयारी है इसलिए माना जा रहा है कि भर्ती के लिए बनाए जा रहे नए बोर्ड से सबसे पहले पुलिस आरक्षकों की भर्ती परिचालित की होगी इसके बाद अन्य विभागों की भर्ती परीक्षा बोर्ड के कराई गौरतलब है कि पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व में पुलिस का बोर्ड था जो भर्ती परीक्षा करता कराता था बाद इस बोर्ड को भंग कर दिया गया और भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का जिम्मा को दे दिया गया था अब क्यों बनाया जा रहा है आखिरकार ऐसा हुआ क्या उनको पता है सीएम साहब आए हैं प्रभाग बांटने विभाग बांटने से पहले हम लोग एक आंदोलन कर दिया आपको पता हूं सत्ताईस दिसंबर को हाय अल्लाह हो गया अच्छी खासी अच्छी खासी अच्छे बच्चे आए थे ठंड में अच्छे बच्चे आए थे कुछ बच्चे मोहन यादव साहब के पास खुद गए तू हाथ में ज्ञापन दिया भाई एमपीएसआई का अभी फिर से ज्ञापन देंगे लो एमपीएसआई के लिए भी दरअसल प्रदेश में व्यापम द्वारा कराई गई भर्ती परीक्षा और इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की परीक्षाओं को लेकर धांधली हुई थी देखो सुनो जिस पर मध्यप्रदेश पुलिस और उसके बाद सीबीआई ने व्यापक कार्रवाई करते हुए हजारों लोगों पर प्रकरण दर्ज किए थे देश भर में विवादग्रस्त होने के चलते व्यापम का नाम बदलकर मध्यप्रदेश कर्मचारी चरण में किया गया इसके बाद ही भर्ती परीक्षाओं गड़बड़ी होने के आरोप इस बोर्ड पर लगते रहे इन आरोपों की गूंज प्रदेश के बाहर भी लगातार पहुंचती रही है इसके चलते अब यह तय किया गया कि वर्दी वाली पद भर्ती के लिए नया बोर्ड बनाया जाएगा और उस बोर्ड का जो नाम होगा जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में यूपीपीआरबी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एक बोर्ड है वो यूपी पी खुद अपना कराता है ठीक वहां भी तो करते हैं भाई ऐसा तो ही ना वहां भी तो आप लोग करते हैं अभी आप लोग फॉर्म भी भरेंगे उस चीज के लिए ठीक है हम्म गुरु जी आपके चरण स्पर्श मुझे आपके आशीर्वाद बहुत जरूरत है और हम सब लोग आपके साथ है केवल आप मेरी ताकत हो नए साल 2024 की एडवांस शुभकामनाएं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबकी ठीक है तो क्या बी एन एस और बी एस एस पुलिस भर्ती के सिलेबस नहीं पुलिस भर्ती के सिलेबस में शामिल हो ना हो मैं आप सभी पुलिस वाले जो मेरे भावी पुलिस वाले हो मैं बड़ा प्यार करता हूं पुलिस कांस्टेबल एस आई वगैरह से क्योंकि ये देश के रीढ़ है वैश्विक तौर पर प्रदेश के जो चलाने वाले में इनकी बड़ी रोल है आप लोग जरूर भारतीय न्याय संहिता भारतीय प्रक्रिया से इसको पढ़िए क्योंकि आपको सिलेक्शन के बाद भौधु पुलिस नहीं बनना स्मार्ट पुलिस बनना है आपको पता होना चाहिए कि नई जो हमारी बीन उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 153 के बाद वन सेवेंटी थ्री में क्या क्या क्लॉज ऐड किए गए इलेक्ट्रॉनिक के, के द्वारा आप ई e कम्युनिकेशन के द्वारा कैसे एफ आई आर को लॉन्च कर सकते हैं उसके क्या क्या प्रावधान है तो थोड़ा पढ़ो तो सही तब तो आप एक स्मार्ट पुलिस बनोगे तब तो लोगों को न्याय दिला पाओगे बस हो गया वर्दी पहन के लट्ठ उठा लिए सोटने के लिए ऐसा नहीं होता भाया बिना मतलब के किसी के ऊपर अगर लाठी भी चला दी अगर उसका मूड खराब हो गया तो बड़ा बुरा कर देगा अभी एक केस हुआ है आपको पता तो पांच लाख रुपया साथ में दंड भी भरना पड़ एक तो गया एक व्यक्ति को वो क्या पुलिस और वकील लड़ाई हो गई होगी अभी उड़ीसा की बात बता रहा हूं तो होशियारी के मारे जो है उसने उनको हथकड़ी लगा ली हथकड़ी लगाते नहीं तो चार दस धारा के हथकड़ी लगा ली कोर्ट ले गए वकील साहब को बोले कि हम कोर्ट ले जा रहे हैं फलान ढहम कब वकील चुपचाप से अवगत करता रहा वकील ने कुछ नहीं किया जब कोर्ट की पेशी चल रही थी तो उन्होंने एक लेटर लिखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को तो जज साहब से एक चीज पूछी आर्टिकल ट्वेंटी वन का हवाला दिया तो बोला इसे पूछिए जरा कि ये हथकड़ी मुझे लगाया क्यों और एक सामान्य से विवाद को लेकर के एक मेरे जैसे मेरी प्रेस्टीजियस चीज को कैसे इसने छूने का प्रयास किया और इस व्यक्ति ने मेरे नाम को कैसे इसने डिमेस किया और बर्डिक पढ़ो हाई कोर्ट ने क्या लिखा पुलिस वाले के लिए भाई साहब पांच लाख रुपए का जुर्माना अलग ठोका है कहने तो ये तो था। किसी भी आम पब्लिक के लिए आप एक जनता के सेवक होते हैं और जब जनता की सेवा करते हैं बहुत ईमानदारी वो बड़े प्यार से लोग आपको सर पे बैठाते माते दिनेश एम याद करिए पढ़ लीजिए आज जाइए फेसबुक पर गूगल पर अगर ज्ञान ना हो तो पढ़िए दिनेश एमएन एसपी जब रहे हैं आईपीएस इस समय तो एसीबी के साथ एडीजी हैं पढ़िए छह साल जेल में रहे हैं छह साल जेल में रहे आईपीएस के बाद जब एसपी बने एसपी के बाद उन्होंने एक, एक गाउंटर, उनके पर आरोप लगा छह साल जेल में रहे जब जेल से वापस आए हैं तो जनता उनको अपने सर पर बैठाइए फूलों के साथ तो काम जब आप करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस पोस्ट पर है चाहे कॉन्स्टेबल हो चाहे एसपी हो चाहे डीजीपी चाहे और कितने एसपी कितने आईपीएस कितने आई एस उन्होंने जेल के अंदर ठोका है जेल के अंदर कर दिया तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस फोर्स के लिए जा रहे हैं आप आपको उस उस वर्दी से आपको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए कि आपको आपके पास वर्दी तो इज्जत मिले नहीं इतनी हमदर्दी हो कि उस वर्दी वाले की इज्जत होनी चाहिए ताकि जब आप वर्दी पहने तो वर्दी की इज्जत आपसे पढ़नी चाहिए ये बड़ा मजेदार हो जाता है चाहे ऐसा बने चाहे कॉन्स्टेबल बने जहां भी रहे बहुत सुंदर तो अभी पढ़िए आप इस चीज को ठीक है जी 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 सर महिला पर्यवेक्षक पटवारी का बता दीजिए कुछ क्या बताएं पटवारी का अब तो मोहन यादव साहब ही बताएंगे पटवारी का दिल्ली पुलिस रिजल्ट भी आउट हो गया बहुत बढ़िया गुड सर मध्य प्रदेश के सारे फौजी आपको जानते हैं और आपकी बातें करते हैं आपकी बड़ी इज्जत है फौज में आप अत्यंत साहसी और अडिग मार्गदर्शक हो गोस्वामी हाँ मैं अगर आप चर्चा करूं एक्स सर्विसमैन को लेकर तो मैं दिल से आप सभी को सलाम करता हूं सैल्यूट करता हूं और पूरे मध्य प्रदेश के तरफ से आपसे माफी मांगता हूं क्योंकि मध्य प्रदेश का बड़ा कुकृत्य है मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के तरफ से क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो मेरी पुलिस है हमारी पुलिस है हम सबकी पुलिस है अर्थात हमारे टैक्स से हम लोगों की मेहनत से जो हमने एक मध्य प्रदेश को खड़ा किया उससे पुलिस बनाया उससे प्रशासन बनाया लेकिन पुलिस विभाग के द्वारा या अन्य विभाग के द्वारा आपके साथ जो जाति की गई बहुत गलत की गई आपने हमारे देश को बचाने के लिए हमें बचाने के लिए एक अब ठंड में बर्फीले में आग में तपती धूप सब जगह रहे आप लेकिन ये मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि वो आपको आपका हक ना दे सका आपको हक मारने के लिए हर वो लाइन चला चालाकी करी लेकिन थोड़ा सा समय लगा लेकिन फाइनली आप जो है आप लोगों के लिए मैं लड़ा और मेरी कोशिश यही है कि ये एक दिन ये प्रशासन आपसे माफी मांगे कि उन्होंने आपसे गलती की है वास्तव में और आपको बहुत सम्मानपूर्वक आपको पुलिस भर्ती के अंदर लिया जाए और आपका जो दस परसेंट रिजर्वेशन है वो इतने शानदार तरीके से दिया जाए कि ताकि हमारा गर्व बढ़े हमारा गौरव हो कि हमने अपने दस परसेंट पुलिस फोर्स में अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों को अपने फौजी भाइयों को सम्मिलित किया है और माफ़ी मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि ये दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का जो प्रशासन में बैठे हैं जो समझ नहीं पाए कि एक्स सर्विस का एक्चुअली में जो रिजर्वेशन है कितना महत्वपूर्ण है उसका जो क्लास सिक्स ए बी है वो कितना महत्वपूर्ण है उसको बिना सोचे समझे इन्होंने क्या किया आंख बंद करके आपके रिजर्वेशन साथ जो छेड़छाड़ किया है बहुत घटिया किया है पर कोई बात नहीं कहा जाता है कि अगर एक तरफ कोई गलत कर रहा होता है तो दूसरा योद्धा खड़ा होता है आपके लिए है कि नहीं चलिए आइए तो थैंक यू सो मच आप सब लोग अपना ध्यान रखेंगे और ये जो पुलिस का रिजल्ट आ सकता है नहीं देखो आएगा ही क्यों नहीं आएगा भाई रिजल्ट तो सभी आएंगे मैंने आपको क्या बोला है कि अभी हम जो बात करेंगे हम सो जो फाइट करेंगे अभी जो कुछ दिन ट्विटर और सोशल मीडिया पर जो हम तमाम चीजें चर्चा स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सब के लिए ठीक है तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जम करके लगाइए अपनी पढ़ाई करिए स्टडी करिए चौहान एकेडमी के साथ जुड़िए लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि आपको अच्छे से पता आपका सुख हो आपका दुख हो कोई खड़ा हो ना खड़ा दिनेश सिंह चौहान आपके साथ पहले भी खड़ा था अब भी खड़ा है बाद में कोर्स बीके ना बीके कोर्स सेल हो ना एकमात्र चौहान एक, एक भी बार आपको एक वीडियो नहीं बनाई इस बारे में कि नौ वर्ष आ गया तो आपको इतने परसेंट डिस्काउंट पे कोर्स दिया जा रहा है बाकी कोई अकेडी बची हो तो मुझे बता देना सब ने नए वर्ष के लिए आपको कोर्स डिस्काउंट दे दिया अरे उन लोगों ने यह नहीं सोचा नौ वर्ष का कैलेंडर बदल रहा है भर्ती का कैलेंडर अभी नया नहीं आया है और जब तक भर्ती का कैलेंडर नहीं आएगा तो दिनेश सिंह चौहान कैसे आपको कोर्स का ऑफर दे दे और एक और बात बता दो साठ पद आए हैं एमपीपीएससी के और छह हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं एमपीपीएससी के मात्र लेकिन सब ने अपना फिफ्टी परसेंट नाइनटी परसेंट कोर्स का ऑफर दिया है किसी व्यक्ति ने मेरे को छोड़कर मैं ट्विटर पर देखिए मैंने साफ साफ तौर तो पर लिखा है चेतावनी दी है कि हम जो इसके लिए ज्ञापन देंगे और इसका विरोध करेंगे कि साठ पद क्यों बल्कि आपको और पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए एमपीपीएससी का और अभी भी मैं कह रहा हूं कि हैप्पी न्यू ईयर अभी तो आप लोगों का तब मनाया जाएगा जब व्यापम के द्वारा नया कैलेंडर जारी किया जाएगा तो ये बहुत अच्छे से दिमाग को रखेंगे हम लोग कि हमारे लिए सबसे उचित क्या है हमारे लिए सही क्या है वो हमारे कपार में चढ़ना चाहिए हमारे माथा में घुसना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है ऐसा नहीं है कि वो भेड़ चाल चलना है ये देखो सही आपको किसका कोर्स दे रहे हैं वो लोग कौन सी भर्ती करवाना चाह रहे हैं किसका नाइन्टी परसेंट आपको ऑफर दे रहे हैं जिसका कोई कैलेंडर नहीं जिसका आता पता नहीं ऐसे लोग जरा पूछा करिए कि दो चार शब्द कैलेंडर के लिए बोल दिए साहब ठीक है चलो खैर बहुत ज्यादा फिर रिलाई हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी ठीक है टेक केयर जय हिंद जय जा भारत नमस्कार बाय इंकलाब जिंदाबाद